जाते हैं और जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि हमें अपने कस्टमर्स को उनको गहराई से समझाना पड़ता है कि क्यों हमारे प्रा, उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लिखें क्योंकि अगर आप लिखे लिखते हैं तो हम वो उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड का जो कहर है वो चारों तरफ है और सॉरी चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है सर्दी जुकाम बुखार फ्लू वगैरह जो है जैसे अः सिम्टम्स जैसे जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये और हमने भी देखा है कि हम अक्सर जो है ये सारे के सारे जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हमें तो, आ, कभी ना कभी हुआ ही है तो ये सब क्यों होता है ये होता है एक जो है वायरस की वजह से तो वायरस क्या है थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो वायरस जो है बहुत ही छोटा सा जीवाणु है ये इतना छोटा है कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ये जो है सब जगह फैला हुआ है यानी कि ये जो है हमारी हवा में है हमारे जो है पानी में है हमारे खाने पर है हमारे जैसे ये टेबल पर जिस पर ये लैपटॉप रखा है उस पर है यहाँ तक कि हमारे मोबाइल पर हर जगह जो है ये वायरस जो पाए जाते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसको देखने के लिए हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही उच्च स्तरीय माइक्रोस्कोप है उसको देखना पड़ता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ये ऑलपिन है ऑलपिन आप देखें कितनी छोटी सी होती है और उसका जो ये सिर है इसका जो ये टॉप होता है जिससे जिससे हम दबा करके उसको लगाते हैं इसके सिर के ऊपर पचास हजार वायरस जो है वो टिक जाते हैं तो कहने का मतलब है ये बहुत ही छोटा जीवाणु है और इसकी एक आप कह सकते हैं खासियत ये है कि ये जब तक ये किसी सतह पर पड़ा है तो ये जो है कुछ समय के लिए ही जीवित रहेगा बट जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारे शरीर के अंदर जाकर के ये अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और जब ये हमारी अपने शरीर के अंदर आकर के संख्या को बढ़ा लेता है तो हमारे अंदर बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो जैसे सपोज करिए ये मेरा मोबाइल है ये मोबाइल के ऊपर जो है ये वायरस पड़ा है अगर जैसे किसी ने छीका किसी ने खांसा कोई वायरस से संक्रमित है और उसने छीका खासा तो ये वायरस के जो कण है थूक के माध्यम से लार के माध्यम से जो है ये वायरस के कण जो है सपोज करिए इस इस फोन फोन के के ऊपर आ गए अब अगर ये मैं इस फोन को जो है कुछ समय के लिए नहीं टच करती हूँ तो ये वायरस जो इसके ऊपर आया है वो कुछ समय बाद मर जाएगा बट अगर सपोज करिए ये अभी जीवित है और मैंने इसको टच कर लिया फोन को लिया और ये मेरे हाथों पर वायरस आ गया और उसके बाद में मैंने अगर अपने नाक मुंह वगैरह को टच किया तो ये वायरस मेरे शरीर के अंदर आ जाएगा और मेरे शरीर के अंदर आकर के ये अपनी संख्या को बढ़ा लेगा और इस तरह से जो जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर जो है वायरस के जो भी हमारे जो समस्याएं हैं जैसे ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार सांस लेने की दिक्कत ये सारी जो है हमें समस्याएं दिखाई देंगी तो ये वायरस क्या करते हैं ये बहुत ही छोटे जीवाणु है ये हमारे शरीर के कोशिकाएं तो जो है उसके अंदर जाकर के अपनी संख्या को तेजी से बढ़ा लेते हैं जिसको हम कहते हैं वायरल लोड आपने ये अक्सर लोगों को आजकल जैसे जिन लोगों को कोविड है आपने सुना होगा कि वो कहते हैं वायरल वायरल लोड मतलब वायरस की संख्या जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है उसको हम वायरल लोड कहते हैं और जब वायरस की संख्या हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति के अंदर ये वायरस आ गया तो अब वो क्या करेगा वो उसको बीमारी हुई उसको लक्षण दिखाई दिए सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह हुआ तो उसके जो जैसे आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं उनके अः छीक से नाक से जब वो बोल रहे हैं तो उसकी लार से थूक से जो है ये वायरस के कण जो है निकलते हैं और ये जो है ये वायरस के कण जब दूसरे व्यक्ति जो है अगर उस व्यक्ति के शरीर के अंदर चले जाए जैसे सपोज करिए किसी ने छीका और वो आपके जो है नाक या मुंह या हाथ पर आया और आपने फिर उसके बाद अपने हाथ को टच कर लिया नाक और मुंह को तो वो वायरस आपके शरीर के अंदर चला जाएगा तो इस तरह से वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट होता है या फैलता है इसीलिए हमें कहा जाता है अभी स्पेशली इस दौर में हमें कहा जाता है कि हमें भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर अगर कोई कोई व्यक्ति ने खांसा और कोई व्यक्ति ने अगर छीका तो वो वायरस के और वो वायरस से संक्रमित है तो वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आकर आ जाएगा और हम हम जो जो है जो है कोविड के जो है, शिकार हो सकते हैं इसीलिए हमें कहा जाता है मास्क पहनना चाहिए इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जो जिसको वायरस से संक्रमित है उसको जो है आइसोलेशन में रखा जाता है उसको अलग रखा जाता है या उसके द्वारा छुई गई चीजों को जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना होता है जैसे सपोज करिए ये दरवाजा है ये दरवाजे की जो नॉब है या डोर जो कुड़ी कंडी कुंडी जो है वो किसी उसने टच करी है और उसके हाथों पे वायरस के कण थे और थोड़ी देर बाद जाकर के हम भी उसी जो है नॉब को या उस, उसको टच करते हैं तो वो और फिर उसके बाद में अपने हाथ में वगैरह को मुंह को टच कर लेते हैं तो वायरस हमारे शरीर के अंदर भी आ जाएगा इसीलिए हमें कहा जाता है कि बार बार हाथ को धोते रहना चाहिए और जो स्पेशली बाहर से जब आए तो और हर चीज को धो करके इस्तेमाल करें तो ये हमें समझना है तो अब आपका आ, सवाल हो सकता है कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करता है तो जैसे सपोज करिए ये वायरस का कण जो है ये एक बहुत ही छोटा सा कर, आ, कोशिका है ये हमारे शरीर के अंदर आ गई तो ये हमारे शरीर के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला वायरस है और ये हमारे शरीर की कोशिका है तो ये हमारे शरीर के अंदर आकर के ना क्या करते हैं जैसे हम ना फोटो करते हैं ना एक पेज से हम जो है हजारों लाखों कॉपीज बना सकते हैं फोटो मशीन के अंदर जेरोक्स के अंदर हम क्या करते हैं एक पेज डालते हैं और उससे हम मन चाहे जितने नंबर के हम पेपर्स चाहे कॉपीज चाहे हम कर सकते हैं इसी तरह से एक वायरस का कण जो है हमारे शरीर के अंदर आकर के लाखों करोड़ों की बना लेता है अपनी कॉपीज बना लेता है और इस तरह से आप देखिए कि एक कोशिका के अंदर जो है वो अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और फिर ये जो है दूसरी कोशिका में जाता है फिर तीसरी और इस तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर वायरस की जो संख्या जो है वो बढ़ जाती है और जब वायरस की संख्या बढ़ जाएगी तो ये कोशिका हो जाएगी या तो बर्स्ट हो जाएगी या जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगी और हमारे अंदर जो है बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे तो वायरस ये इस तरह से काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर आकर के अपनी संख्या को बढ़ा लेता है बट हमारा शरीर जो है वो ऐसा नहीं है कि वायरस को वायरस आ जाए और हमारे शरीर को आसानी से जो है आ, जो है उसको आ, मतलब बढ़ने दे और हमारा हम बीमार हो जाएंगे नो हमारा शरीर जो है आप कह सकते हैं कि एक किले की तरह काम करता है जैसे आपने देखा होगा अः जैसे आप मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर में तो बहुत सारे किले हैं आई एम sure श्योर आपने देखे होंगे तो किले क्या होते हैं वो शहर के बाहर होते हैं और वो जो है वो दूसरे दुश्मन जो है वो उस शहर के अंदर उस राज्य के अंदर ना आ सके उसका काम करते हैं तो ये दीवारें जो है वो बहुत ही मजबूत होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं और जो जो उसके जो उस राज्य के जो सेना होती है वो यहाँ पर छुप करके जो है अगर कोई भी दुश्मन जैसे यहाँ पे दुश्मन आपको दिखाई दे रहा है वो उसको मार गिराएगी तो यानी कि वो जो जो दुश्मन सेना है वो आसानी से जो है उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी राइट right? इसी तरह से हमारा शरी, हमारे शरीर के अंदर भी सेना होती है हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है कुछ कोशिकाएं जो है, वो सेना का काम करती हैं और वो सेना जो है हमारे अगर कोई ये दुश्मन आ जाते हैं ये दुश्मन जैसे ये वायरस है बैक्टीरिया है कोई भी अगर हानिकारक तत्व तो हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारी जो कोशिकाओं की है वो उसको मार गिराती है और ये इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि ये हमारे जो शरीर की जो अंदर की जो सेना है वो इतनी मजबूत है कि वो जो भी वायरस के कण आएंगे वो उनको मार गिराएगी बट आप समझ गए हैं कि अगर हमारी सेना कमजोर है तो नेचुरली ये वायरस जो है हावी हो जाएगा और हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी या हमारे अंदर जो है वायरस इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देंगे तो वायरल जो इन्फेक्शन है उसका खतरा हमारे शरीर के अंदर तब और बढ़ जाता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होगी ये आप समझ ही गए हैं तो यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर की सेना कमजोर है तो ये वायरस हावी हो जाएंगे और हमारे अंदर बीमारी आएगी और हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम क्यों होती है हमारी इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि हम जो है प्रोटीन विटामिन मिनरल और फाइबर का बहुत ही कम मात्रा में सेवन करते हैं जैसे कि आप जानते हैं पीवीएमएफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी uh, को बढ़ाने के लिए तो बट हम जो लोग जो है हमारा जो रोज का जो खाना है उसके अंदर प्रोटीन तो बहुत ही कम है विटामिन और मिनरल्स भी हमें पूरे नहीं मिलते हैं तो इसीलिए हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम रहती है इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है अब मैं यह आपको एक्चुअली कस्टमर्स बता रही हूँ कि किन लोगों की इम्यूनिटी कम है तो ताकि हम उनको जो है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सके तो मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें कि कौन से लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है तो नंबर वन वो लोग जो कि पर्याप्त मात्रा में पीवीएमएफ नहीं लेते जो कि आपको हर कोई व्यक्ति जिससे भी आप मिलेंगे वो पीवीएमएफ ले ही नहीं रहा है दूसरा जो है बढ़ती उम्र जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कम है और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो लोग जो ला, लास्ट जो हमारी जो कोविड की जो वेव थी उसके अंदर आपने देखा खता होगा कि जो बुजुर्ग हैं जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित हुए तो बढ़ती उम्र के और ये इसीलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है इसी तरह से अगर किसी को शारीरिक या मानसिक तनाव है जो कि आज के जीवन में तो सबको भरमार है तो किसी को अगर शारीरिक और मानसिक तनाव है स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है जो लोग सिगरेट पीते हैं नेचुरली उनकी तो वैसे ही इम्यूनिटी कम है वो तो वैसे ही अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है जो लोग शराब पीते हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेते हैं उनकी इम्यूनिटी कम है जिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं आती है वो और या वो सोते नहीं है हमारे शरीर को काम करने के लिए काम करने के बाद आठ से दस घंटे की नींद जरूरी है ओके okay? तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसको अच्छे से नींद नहीं आती है नींद कम रहती है तो उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है जिन लोगों को दिल की बीमारी है या जिन लोगों को कोई और समस्या है या जो बहुत दुबले पतले लोग हैं इन सब लोगों की इम्यूनिटी कम है तो ये हमारे सारे कस्टमर्स हो सकते हैं आई होप आप नोट कर पा रहे हैं कि कौन लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो प्रकृति ने जो है बहुत सारे जो है हमें एंटीवायरल हर्ब्स दिए हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और ये सारे के सारे हर्ब्स जो हैं आपको मिलते हैं न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर पांच हर्ब्स की शक्ति है ओके okay. अब ये जो पांच हर्ब्स की शक्ति है ये हमें हर बीमारी से मुक्ति दिला सकती है एस का मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर पांच स्ट्रोंग हर्ब्स है एस का मतलब क्या है स्ट्रोंग आप कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर पांच स्ट्रोंग हर्ब्स हैं जो कि हमें हर बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर पांच जो है स्पेशल हर्ब्स हैं जो कि हमें सदा के लिए रोग मुक्त रख सकते हैं ओके okay. या आप कह सकते हैं कि न्यू न्यू या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर सुपर पांच हर्ब्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज के अंदर पांच सॉलिड हर्ब्स हैं जिसका एक कैप्सूल ही काफी है हमें जो है बहुत सारी समस्याओं से बचाने के लिए और या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस जो है सुपर है स्किन के लिए स्किन के समस्याओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो न्यूट्रीचार्ज एस का एक कैप्स्यूल ही काफी है हमें हमेशा के लिए रोग मुक्त रखने के लिए तो आइए समझते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव में है क्या आई एम श्योर आपको आपको बिल्कुल मालूम ही है कि एस फाइव के अंदर पांच औषधियां हैं okay, ओके मेरा बताने से पहले मैं आ, कोई मुझे बताना चाहेगा कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर पांच कौन सी औषधियां हैं पांच कौन से हर्ब्स हैं और अगर कोई ये भी बता दे कि, कि कितनी मात्रा में है तो बहुत ही फैंटेस्टिक हो जाएगा कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा एक व्यक्ति हम उसको उनको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे सिर्फ़ एक व्यक्ति से ही जानना चाहेंगे। आ, ओके, बिरेंद्रनाथ सोनकर जी, ओके, आप अनम्यूट करें अपने आप को और हमें बताएं। न्यूट्रीचार्ज एस-फाइव में कौन से पांच शॉप्स हैं? यस? सर। ओह, सॉरी जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप, यस बोले? ब्लाइंक हिट एलोवेरा पुदीनाइस वेरी नाइस वेरी गुड थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट बिल्कुल सही के अंदर पांच हर्ब्स हैं सबसे पहला है ब्लैक सीड जो कि दो मिलीग्राम है मैं चाहूंगी कि आप ये जो इसके अंदर जो, जो मात्रा है ये भी लिखें क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में ये मात्रा इतनी मात्रा होनी क्यों जरूरी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर ब्लैक सीडिया कलोंजी है दो सौ मिलीग्राम इसमें है तुलसी डेढ़ सौ मिलीग्राम इसमें है नीम सौ मिलीग्राम एलोवेरा पच्चीस मिलीग्राम और पुदीना दस मिलीग्राम ठीक है आइए देखते हैं कि ये सारे के सारे जो हर्ब्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक सीड की ब्लैक सीड जो है ये हजारों सालों से एक चिकित्सीय पौधे के रूप में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है और इसके बारे में हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही है पर बाइबल और कुरान में भी लिखा है कि ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है और ये बहुत सारी बीमारियों से हमारी जो है बीमारियों को ठीक कर सकती है और ब्लैक सीड पर आप देखेंगे कि बहुत सारे शोध किए गए हैं और यहाँ तक कि डब्ल्यू ने इसे एक हर्बल औषधि बताया है और यूएस एफडीए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बताया है कि ब्लैक सीड जो है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला पदार्थ है और इसके बारे में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आगे भी बात करेंगे तो ब्लैक सीड के बहुत सारे फायदे हैं और अगर आप आई एम श्योर आप सबके पास में ये रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन बुक होगी और इसके अंदर जो पेज नंबर 185 पे अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सीड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है तो ब्लैक सीड एक्चुअली में है क्या तो ब्लैक सीड क्या क्या काम करता है तो मैं चाहूंगी कि आप ये नोट करें अः नंबर वन जो है ब्लैक सीड जो है एंटीवायरल है एंटीवायरल का मतलब क्या होता है एंटीवायरल दो शब्दों का बना हुआ है वायरल और एंटी वायरल का मतलब वायरस से संबंधित एंटी मतलब उसके विरोध में तो यानी कि ये वायरस के विरोध में काम करता है तो सपोज करिए वायरस अगर हमारे शरीर में आ गया तो ये उसको मार गिराएगा या उसको नष्ट करेगा ओके तो ये एंटी वायरल है ये एंटी ऑक्सीडेंट भी है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व आते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं जो भी हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको नष्ट करने का काम करता है तो ब्लैक सीड हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व या टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स जिसको हम कहते हैं उनको नष्ट करता है ये सूजन रोधी है यानी ये सूजन को कम करता है ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और एंटी एलर्जिक भी है आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं उनको एलर्जी होती है जैसे धूल मिट्टी से उनको एलर्जी होती है तो वो सांस लेने में दिक्कत आती है या उनके स्किन के ऊपर जैसे लाल लाल निशान पड़ जाते हैं या बहुत खुजली होती है ऐसे अलग अलग चीजों से उनको एलर्जी हो सकती है किसी को बहुत तेज परफ्यूम से तेज स्मेल से हो सकती है तो ये जो है जिन लोगों को एलर्जी है उनको भी राहत प्रदान करने में मदद करता है तो ब्लैक सीड के बहुत सारे फायदे हैं। हैं आइए देखते थोड़ा सा डिटेल में। तो ब्लैक सीड जो है जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे जो है सांस लेने के सिस्टम के ऊपर काम करता है अब सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा सांस लेने का सिस्टम कैसे काम करता है तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हम नाक से सांस लेते हैं ओके okay. हमने ये हमारा ऊपर आपको चित्र में दिख रहा है नाक है नाक से हमारी सांस अंदर आई ये हमारी सांस लेने की नली है इसके अंदर आई है और फिर जैसे पेड़ की जो जैसे टहनिया होती है इस तरह से जो है ये जो हमारी सांस लेने की नली है ये इस तरह से जो है उसकी टहनिया बन जाती हैं है और ये हमारे दो फेफड़े हैं इनके अंदर जाकर के पूरा नेटवर्क इसका हमारी टहनियों का होता है जैसे आरसीएम का नेटवर्क जो है पूरे भारत के अंदर है इसी तरह से ये जो सांस लेने की नलियां हैं इनका नेटवर्क जो है पूरे हमारे फेफड़ों के अंदर है तो हमारी सांस कहा से आई नाक से आई ये हमारी नली के अंदर गई और ये इस तरह से जो ये हमारी जो सांस लेने की जो छोटी नलियां हैं ये पूरे हमारे फेफड़ों तक में फेफड़ों के हर हिस्से तक है वहां तक जाती है और फिर ये जो जो हमने और आप और आप जानते हैं हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन को को अंदर लेते ये जो जब हमारी कोशिकाओं ने को यूज कर लिया तो वो बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी रास्ते से या जो है हमारे जो है नाक के माध्यम से बाहर निकल जाती है तो हम सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर निकाल रहे हैं अब एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है जैसे हम सब यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति बैठे हैं तो हमको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, रही? हमारी सांस बिल्कुल आसानी से अंदर जा रही है और आसानी से बाहर जा रही है But जिस व्यक्ति को कोविड है, को है जिस व्यक्ति को एलर्जी है उनकी सांस लेने की नलियों के अंदर सूजन आ जाती है या कोई रुकावट आ जाता है जैसे पस भर गया या बलगम भर गया तो इसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आती है तो ये बात को हमें समझना है तो ब्लैक सीड क्या करता है ये जो हमारी सांस लेने की नलियों के अंदर जो सूजन रुका बलगम पस वगैरह जो भर गया है ये उसको कम करने में मदद करता है ये आई थिंक ये दूसरे एक और चित्र से आपको समझ में आएगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा जो एक नॉर्मल व्यक्ति की आ, सांस लेने की नली है देख रहे हैं बिल्कुल साफ है बिल्कुल क्लियर है तो इसमें ये हमारे हाईवे की तरह है जैसे हमारा हाईवे अगर बिल्कुल साफ है बिना कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है तो ट्रैफिक बिल्कुल सर्राटे से जाता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है बट सपोज करिए अगर हमारे हाईवे के ऊपर जो है सपोज करिए बड़ा सा खड्डा हो गया कोई बीच में एक्सीडेंट आ गया या पेड़ गिर गया तो क्या होएगा तो जो ट्रैफिक जो है वो रुक रुक करके जाएगा और सबको मुश्किल आएगी इसी तरह से अगर हमारी सांस की नलियों के अंदर सूजन आ जाए या पस भर जाए या बलगम हो जाए तो हमारी सांस जो है वो ठीक से नहीं आएगी और आप देखते हैं जिन लोगों को खांसी है जिन लोगों को अस्थमा है दमा है जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन है और जिन लोगों को एलर्जी है उनकी सांस लेने की नलियां उनके फेफड़ों के अंदर ये समस्या देखी जाती है, ठीक है तो ये बात को हमें समझना है और एक और चीज अगर हम देखें तो हमारी जो ये जो सांस लेने की जो नलियां हैं जैसे हमारी जो टहनिया होती हैं जैसे ये हमारी जो जैसे आप देख रहे हैं ये सांस लेने की नलियां हैं ये जो हमारे जैसे पेड़ की पत्तियां हैं वो किस पेड़ की जो टहनिया है वो लास्ट में उसकी क्या होती है पत्तियां होती हैं इसी तरह से हमारे जो सांस लेने की जो नलियां है वो लास्ट में उनके अंदर ये अंगूर जैसे गुच्छे पाए जाते हैं जिनको हम एलोवे कहते हैं ये थोड़ी सी साइंस है अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली में जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली है वहां पे वो ऑक्सीजन यहाँ पर ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से वापस जो है हमारी जो है सांस की नलियों से होती हुई हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली स्पेस है तो यहाँ पर जो है सांस का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है बट सपोज करिए अब यहाँ पे आप दूसरी, दूसरी, दूसरी आ, तो देख रहे हैं दूसरी जो देख ये एल्वेला या अंगूर का गुच्छा जैसा जो अंग है हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ये पास बलगम वगैरह भर गया तो अब यहाँ पर जो है सांस को एक्सचेंज होने की आदान प्रदान होने की जो जगह है वो कम है तो इस वजह से उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आएगी तो ये जो मैंने आपको जो चार कस्टमर्स बताए चार लोग बताए जिनको खांसी है जिनको दमा है जिनको कोविड है या जिनको एलर्जी है उनका उनकी जो सांस लेने की नलियों के अंदर और ये जो एल्वियोला है उसके अंदर इस तरह से समस्या आती है तो अब ब्लैक सीड क्या काम करता है ब्लैक सीड जो है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड नाइनटीन में स्पेशली अगर हम बात करें कोविड नाइनटीन में फेफड़ों में सूजन जो आ जाती है उसमें ब्लैक सीड जो है सूजन रोधी और एंटी का काम करता है और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर वायरल संक्रमण के रोकथाम में लाभदायक है तो यानी कि ब्लैक सीड जो है ये हमारे जो फेफड़ों के अंदर सांस लेने की नलियों के अंदर जो सूजन आ गई है जो जो हानिकारक तत्व तो आ गए हैं उनसे हमें बचा करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा करके हमारी जो है इस ये वायरल संक्रमण जो वायरल कोविड का जो इन्फेक्शन है उससे हमें बचाने में मदद करता है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी ये एक और स्टडी है जिसमें ये बताया गया है ब्लैक सीड जो है ये फेफड़ों में सूजन को रोकथाम में संभवतः कहीं दवाओं से ज्यादा लाभदायक है जैसा कि आप जानते हैं जब ये कोविड का ट्रीटमेंट आया तब ये पहली बार आया तो हमारे डॉक्टर्स के पास में इसका जो है इसका क्या इलाज होना चाहिए कौन सी इसमें दवाइयाँ लेनी चाहिए वो नहीं थी तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का मिक्स किया कि भाई एंटीबायोटिक भी होना चाहिए एंटी वायरल भी होना चाहिए एंटी एलर्जिक भी डाल दो और इसमें विटामिन और मिनरल्स भी डाल दो इस तरह से करके करकेस्टेरॉइड भी डाल दो इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना करके जो है जो है कोविड के पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट करना शुरू किया तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो जो भी सारी दवाइयाँ जा रही है। उसमें जो है ये बाकी दवाइयों से ज्यादा लाभदायक है तो यानी ब्लैक सीड अगर हम लेते हैं तो ये हमारे कोविड में स्पेशली जो है बहुत ही फायदेमंद है और आप जानते हैं जैसे कि ये एक और स्टडी है कि अगर हम ब्लैक सीड और हनी जैसे न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर ब्लैक सीड है और आरसीएम का हनी है स्वेच्छा हनी अगर हम ये साथ में लेते हैं तो जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है वो वो लोग जो है बहुत जल्दी ठीक होते हैं तो वो मरीज जिन लोगों को जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है वो दस दिन के बजाय छह दिन में और जिनको थोड़ा सा गंभीर संक्रमण हुआ है वो बारह दिन के बजाय साढ़े आठ दिन में ठीक हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर हम ब्लैक सीड न्यूटी चार्ज एस फाइव और हनी अगर साथ में लेते हैं शहद हम साथ में लेते हैं तो उसमें जो है हम जल्दी ठीक हो सकते हैं तो ये बात को आप ध्यान रख

करने में मदद करता है और ब्लैक सीड जो है ये हमारी किडनीज की काम करने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है तो जिन लोगों को जिन लोग मतलब हमें अगर लेते हैं तो हमारी किडनीज बेहतर तरीके से काम करेंगी इसी तरह से ये हमारे लिवर की भी काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है हमारा लिवर जो है जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पांच सौ से ज्यादा काम करता है तो ये लिवर की भी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और ये हमारे दिल को भी स्वस्थ रखता है आप जानते हैं कि हमारे दिल में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और दिल का ठीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये हमारे हृदय से जो संबंधित समस्याएं हैं उसके इलाज में भी फायदेमंद है और हमने अभी देखा ही था कि ये हमारे जो है इम्यूनिटी को जो है यानी या हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है तो आप देख रहे हैं ब्लैक सीड जो है ये बहुत सारे हमारे अंगों के ऊपर काम कर रहा है तो वैसे तो आप देखेंगे कि ब्लैक सीड जो है एक अकेला ब्लैक सीड ही काफी है बट जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज हमेशा आपको देता है जरूर उम्मीद से ज्यादा तो इसीलिए अः न्यूट्री इसमें अः न्यूट्रीचार्ज एस के अंदर और भी औषधियां हैं और वो है तुलसी तुलसी जो है इसमें तीन तरह की तुलसी है और तुलसी के बारे में हम सब तो जानते ही हैं तुलसी हमारे घरों में है हम अपने अ, 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 उसकी पूजा भी करते हैं और हम जो है अगर अः हम तुलसी का काढ़ा पीते हैं या तुलसी की चाय पीते हैं तो तुलसी के बारे में तो हम सब जानते हैं बट तुलसी के जो फायदे हैं वो आधुनिक विज्ञान भी अपना रहा है इसीलिए आप देखेंगे कि तुलसी जो है बहुत सारी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता आ रहा है बट ये तुलसी करती क्या है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की एक सेना है हमारे शरीर में सेना होती है तो जैसे हमारे देश की सेना है हमारे देश की सेना क्या करती है देश की सेना की भी अलग अलग टुकड़ियां हैं। कुछ टुकड़ियां जो है आ... जैसे राइफल्स या या जो है राइफल्स या इस तरह से जो है अलग अलग टुकड़िया है वो अलग अलग तरह से हमारे देश को बचाती है इसी तरह से हमारे जो शरीर है हमारा जो न, 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 हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं जो कि सेना का, का काम करती हैं उसमें से एक कोशिका का नाम है एंटीबॉडीज एक तरह की कोशिकाओं की जो टुकड़ी है उसका नाम है एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज क्या होती है एंटीबॉडीज जो है उनको आप कह सकते हैं कि ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय आर्मी है सर्च एंड डिस्ट्रॉय आर्मी का मतलब यानी कि ये अगर हमारे शरीर के अंदर कोई हानिकारक तत्व आता है कोई दुश्मन आता है तो उसको पहले तो ढूंढ निकालती है और फिर उसको मार गिराती है तो ये जो तुलसी जो है ये हमारी एंटीबॉडीज की संख्या को 20 परसेंट तक बढ़ा देती है तो अब आप देखिए सपोज करिए अगर हमारे शहर के अंदर कोई आ, आ, जो है कोई सिचुएशन आई जहां पर आर्मी की जरूरत है तो वहां पर अगर ज्यादा संख्या में आर्मी आ जाती है ज्यादा संख्या में अगर पुलिस आ जाती है तो उस सिचुएशन का जल्दी और आ, आ, अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है राइट तो इसी तरह से अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ जाएगी तो ये हमारे जो जो हमारे शरीर के अंदर जो ये वायरल इंफेक्शन या बैक्टीरियल इंफेक्शन है उससे हमें राहत जल्दी मिलेगी तो तुलसी क्या करती है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की

नीम के अंदर एक आ, उसकी पत्तियों के अंदर एक तत्व पाया जाता है हाई जो कि क्या करता है वायरस को कोशिकाओं में घुसने और उसकी संख्या बढ़ाने से रोक देता है तो तो इसको आप आप जो है कोविड कोविड के हिसाब से अगर आप समझें, तो अगर अगर समझें वायरस का इंफेक्शन या कोविड का जो वायरस है वो अगर हमारे शरीर के अंदर आ भी जाता है और अगर हम न्यूट्रीचार्ज एस फाइव लेते रहते हैं तो क्या होगा ये वायरस को कोशिकाओं में घुसने से रोकेगा और उनकी संख्या बढ़ाने से रोक लगाएगा तो इसका मतलब क्या होगा हमारा वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर संख्या नहीं बढ़ा पाएगा तो यानी कि हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं तो इस बात को हमें समझना है तो वो नीम जो है वो बहुत ही फायदेमंद है और नीम जो है ये एंटीबायोटिक भी है आपने देखा होगा कि जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है या बालों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अक्सर उनको कहते हैं कि भाई आप नीम की पत्तियों को पानी में उबाल करके उससे नहाइए या आप जो है नीम की पत्तियों को उस पीस करके उसका लेप लगाइए वो क्यों है क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण है जो कि हमारे अगर कोई इंफेक्शन है तो ये उसको दूर करने में मदद करता है और न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर जो है सौ मिलीग्राम नीम है जो कि नीम की सौ पत्तियों के बराबर है मैं चाहूंगी कि इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ये 100 मिलीग्राम नीम जो कि 100 पत्तियों के बराबर है ये कि किस तरह से हम इसको अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि उनको क्यों लेना चाहिए ये हमारी सेलिंग में मदद कर सकता है ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी सेलिंग में मदद करेगा तो मैं चाहूंगी कि इस पॉइंट को आप नोट जरूर करें हम आगे इसके बारे में बात करेंगे और जो हमारा जो आ, चौथा जो हर्ब है वो है एलोवेरा और एलोवेरा के बारे में भी आप जानते हैं आरसी के अंदर एलोवेरा जूस आता है जिसको हम बोलते हैं कि स्किन और पाचन में ये बहुत ही मदद करता है तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर जो एलोवेरा है वो भी हमारी स्किन त्वचा और हमारे पाचन से संबंधित जो समस्या है उससे राहत देने में मदद करता है और न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर 25 मिलीग्राम एलोवेरा है जो कि 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर है तो यानी ये बहुत ही पावर वाला एलोवेरा है मतलब है तो 25 मिलीग्राम बट कि, किसके बराबर है 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर है तो ये इसके अंदर जो है बहुत ही कंसंट्रेटेड गाढ़े फॉर्म के अंदर पर एलोवेरा है जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और पांचवा और लास्ट जो हर्ब जो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर है वो है स्पेरमेंट यानी पुदीना जो कि एक खुशबूदार पौधा है जो कि हमारे पाचन को सुधारने में या पेट की सेहत को कर रखने में ठीक रखता है तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर ये जो पांचों औषधियां डाली गई हैं ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी रिसर्च रिसर्च के बाद में डाली गई है ऐसा नहीं कि ना चलो ये भी डाल दो वो भी डाल दो ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है ऐसा नहीं ये बहुत रिसर्च के बाद में डाला गया बनाया गया ये प्रोडक्ट है अब ये क्या काम करता है अब हम नौ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और अगर आपने बाकी सेशन के अंदर आप चाहे और कुछ लिखे या ना लिखे ये नौ तो जरूर लिखें क्योंकि ये पॉइंट्स हमें अपने कस्टमर्स को बताना है कि न्यूट्री S5 क्या काम करता है देखिए अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि न्यूट्री S5 बहुत अच्छा है आ, मैं ले रहा हूँ आप भी लीजिए तो मे बी दस में से एक व्यक्ति ले लेगा बट अगर हम चाहते हैं कि नौ के पूरे दस के दस या बाकी नौ भी हमारे प्रोडक्ट को ले तो हमें उनको समझाना पड़ेगा ना कि क्यों हमारा प्रोडक्ट लेना चाहिए या वो क्या काम करता है तो मैं चाहूंगी कि ये नौ पॉइंट्स डेफिनेटली हर व्यक्ति जो भी जितने भी हम यहां पर है एक सौ सत्तर लोग हैं तो ये सब के सब जो है ये जरूर लिखे तो सबसे पहला जो है न्यूट्रीचार्ज एस फाइव क्या काम करता है ये सूजन रोधी है यानी ये सूजन को कम करता है ये हमारी बाहरी सूजन को भी कम करता है और ये आंतरिक सूजन को भी कम करता है तो देखिए बाहरी जो सूजन है वो तो हमें दिख रही है तो ये तो उसको तो कम करता ही है बट ये हमारे अंदर की जो सूजन है ना उसको भी कम करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अः आंतरिक सूजन जो है वो हमारे बहुत सारी समस्याओं की शुरुआत होती है जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दू अस्थमा का तो उसमें अस्थमा में क्या होता है हमारी जो सांस लेने की जो नलियां हैं उसके अंदर सूजन आती है बट सपोज करिए अब क्योंकि ये शुरुआत हुई है जैसे सपोज करिए कोई चीज शुरुआत होती है तो वो हमें उस शुरू में उसके इतने लक्षण नहीं दिखाई देते बट धीरे धीरे जो है वो गंभीर हो जाती है जब गंभीर हो जाती है तभी हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं बट सपोज करिए अगर हमने उसको फर्स्ट स्टेज में ही जब शुरुआत ही हुई थी तभी अगर हमने उसको उस सूजन को कम कर दिया होता तो वह आगे चल करके अस्थमा या एक गंभीर समस्या के रूप में नहीं बदलती तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव अगर हम लेते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो सूजन आती रहती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है ये उसको कम करते हैं और इस तरह से हमें बहुत सारी बीमारियों से बहुत सारी समस्याओं से बचा सकता है एक और जैसे उदाहरण दू अगर हम जैसे हमारी जोड़ों की समस्या है जोड़ों की समस्या शुरू कैसे होती है एक छोटी सी सूजन से जब हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो वो आगे चल करके एक गंभीर जो है बॉर सूजन बढ़ जाती है और हमारे जो है जोड़ों की समस्या बढ़ जाती है बट सपोज करिए अगर हमने उसको पहले ही जब वो सूजन शुरू ही हुई थी तभी अगर हम उसको ट्रीट कर लेते उसका ध्यान रख लेते तो वह आगे चल करके एक गंभीर समस्या के रूप में नहीं बदलती तो न्यूट्रीच एस फाइव क्या है ये सूजन रोधी है यानी सूजन को कम करता है आंतरिक सूजन और बाहरी सूजन दोनों को कम करने में मदद करता है दूसरा पॉइंट हमने देखा ही है यूट्रीचार्ज एस फाइव जो हमारे जो सांस लेने के जो सिस्टम है और उसके अंदर कोई भी अगर सूजन है या कोई भी अवरोध है तो ये उसको भी दूर करने में मदद करता है ये हमने देखा ही है और ये जिन जिन लोगों को खांसी है जिन लोगों को दमा या अस्थमा है जिन लोगों को कोविड है कोविड आप जानते ही है कि सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करता है तो ये जिन लोगों को फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं या जिन लोगों को एलर्जी है ये उनको ठीक रखने में मदद करता है तीसरा जिन लोगों को सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह है या वायरल इन्फेक्शन है ये उससे भी राहत देने में आ, मदद करता है तो ये जो है जिन लोगों को अभी मौसम बदलते ही सर्दी खांसी जुकाम वगैरह दिखाई देता है उनको राहत देने में ये मदद करता है न्यूट्रीचार्ज एस फाइव फिर उसके बाद में जो है ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है हमने बात करी थी कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव क्या है सुपर फॉर स्किन तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव जो है हमारी जो त्वचा से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे राहत देने में बहुत ही अः अच्छी तरह से काम करता है तो जिन लोगों को आ, कील मुहासे हैं फोड़े फुंसियां हैं जिन लोगों को बेरंग त्वचा है आपने देखा होगा कि महिलाओं के आ, स्पेशली डिलीवरी के बाद जो है चेहरे के ऊपर जो है ब्राउन पैचेस हो जाते हैं को हम कहते हैं झाइया पिगमेंटेशन अगर आप ये चित्र को देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है हल्के हल्के ब्राउन पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो ये जो है ये क्या है ये बेरंग त्वचा है या पिगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं तो न्यूट्री इस एस फाइव इससे भी राहत देने में मदद करता है इसमें भी मदद करता है और जिन लोगों को एक्जिमा है एक्जिमा आप जानते हैं ये स्किन की समस्या है जिसके अंदर बहुत ही स्किन ड्राई हो जाती है और खुजली वगैरह होती है और सोरियासिस सोरियासिस भी एक स्किन की बहुत ही गंभीर समस्या है जिसके अंदर हमारे पूरे शरीर के अंदर ये इस तरह के पैचेस हो जाते हैं और इन पैचेस के ऊपर जो है पपड़ी आ जाती है सूखी होती है स्किन और बहुत तेज खुजली होती है और ये जो है ये सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है मतलब ये सर्दियों में जिन लोगों को सोरियासिस होती है तो सर्दियों में उसके होने के जो संभावना है या फैलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है तो न्यूट्रीचार्ज एस जो है ये स्किन की जो समस्याएं हैं इनके अंदर बहुत ही राहत होती है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी चीन के बहुत सारे हैं जिन्होंने बताया जिनको जिन्हों खुद को सोरियासिस थी और न्यूट्रीचार्ज एस फाइव लेने से उनको बहुत ही राहत बेरंग त्वचा तो दागेमा सोरियासिस इसमें राहत देने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज एस फाइव पांचवा जो पॉइंट है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है अब आप कहेंगे कि ये इम्यूनिटी क्या होती है जैसे हमने बात करी ही थी बट फिर भी मैं एक और उदाहरण से आपको बताना चाहूंगी जैसे आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो कुछ पेड़ जो है उखड़ जाके देखा होगा कि वो जड़ से उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं पर कुछ पेड़ जो है चाहे भले ही कितनी तेज आंधी तूफान बारिश आए स्थिर खड़े रहते है. तो अब इन दोनों पेड़ों के अंदर क्या फर्क है इन दोनों पेड़ों के अंदर जो फर्क है वो है उनकी जड़ों का एक की जड़े कमजोर थी इसीलिए वो उखड़ गया और दूसरे की जो जड़े हैं वो बहुत मजबूत थी तो इसीलिए वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा तो इसी तरह से अगर हमें अपने आप को बीमारियों के आंधी तूफान से बचाए रखना है तो हमें अपनी जड़ों को हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना है और इस आंतरिक मजबूती को हम कहते हैं इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता तो न्यूट्रीचार्ज एस जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और आज के इस दौर में हम सबको अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में का, का काम करना चाहिए क्योंकि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में आकर के जो है जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और हमारे अंदर बीमारी नहीं आएगी तो ये जो जो पांचवा पॉइंट है ये हमें अपने हर कस्टमर को बताना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज S5 हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाता है एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी पिछले साल जब बहुत ही कोविड अप्रैल में मई जून में जब बहुत ही ज्यादा केसेस हो गए थे तब आपने देखा होगा कि जैसे एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्य जो है प्रभावित हो रहे थे एक ही परिवार के, एक परिवार के अंदर चार पांच लोग हैं तो चार लोगों को जो है कोविड हो गया बट एक एक व्यक्ति व्यक्ति को को नहीं नहीं हुआ हुआ तो उस क्यों क्योंकि उसकी इम्यूनिटी मजबूत थी वो अंदर से मजबूत था वायरस उसके भी शरीर में आया होगा अब क्योंकि वो उसी परिवार का हिस्सा है तो वायरस वो भी संपर्क में आया होगा वायरस के बट क्योंकि उसकी अंदर से इम्यूनिटी मजबूत थी इसीलिए वायरस उसको जो है वायरस के लक्षण जो है उसके अंदर नहीं दिखाई दिए तो ये बात को हमें समझना है तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी है नीम जो है आपने देखा है कि वो उसमें वो डायबिटीज में इस्तेमाल किया जाता है शुगर में इस्तेमाल किया जाता है तो जिन लोगों को डायबिटीज है जिन लोगों को शुगर है उनको आप बोल सकते हैं कि आप अपनी डायबिटीज की दवाइयों के साथ में अगर आप न्यूट्रीचार्ज एस फाइव लेते हैं तो आपकी शुगर का बेहतर कंट्रोल होगा तो ये इस डायबिटीज में भी फायदेमंद है और ये हमारे खून को भी साफ रखता है अब हमारे खून का साफ रहना या हमारे खून का ठीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपने देखा होगा कि हमारे जो है जैसे सपोज करिए हमारे शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे शहर के अंदर जैसे बसें हैं ट्रक हैं। आ, 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 ये क्या कहते हैं ऑटो है, है रिक्शा है ये क्या काम करते हैं ये चीजों को और हम सब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं राइट इसी तरह से हमारे शरीर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है खून हमारा शरीर के अंदर जो ये रक्त है ये हमारे पोषक तत्व ऑक्सीजन एंजाइम्स हॉर्मोन्स इन सब को एक कोशिका से दूसरी कोशिका एक अंग से दूसरे अंग तक लेकर के जाता है तो जैसे अगर आप जानते हैं कि अगर सपोज करिए हमारे शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाए तो आप देखिए हमारा जो है सारा का सारा सिस्टम वो हो जाएगा सबको परेशानी होगी हमारी हम जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे हमारा जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो आप इसी तरह से अगर हमारे श... खून जो शरीर के अंदर जो खून है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे और जो है हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं तो ये हमारे खून को साफ करता है और इस तरह से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है तो न्यूट्रीचार्ज एस्ट का ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है नेक्स्ट ये हम जिन लोगों को गैस या पाचन से संबंधित जो समस्या है उससे भी राहत मिलती है इसमें और ये हमारे जो है किडनी लिवर हृदय जोड़ हड्डियां इन सभी को स्वस्थ रखने में मदद करता है तो ये नौ पॉइंट्स हमें अपने कस्टमर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से हमें बताना है कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव ये सारे काम करता है ओके okay, अब हम बात करते हैं कि क्या कह करके बेचना है कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव एक कैप्सूल अगर हम लेते हैं तो इतनी सारी समस्याओं से हमें राहत मिलती है आप देख रहे हैं ये हमारे जो है स्किन के ऊपर भी काम कर रहा है फेफड़ों के ऊपर भी काम कर रहा है किडनी को भी ठीक रख रहा है लिवर को भी ठीक रख रहा है दिल को भी ठीक रख रहा है हमारे जोड़ों को भी स्वस्थ रख रहा है पाचन को भी सदर स, अ, सही कर रहा है तो ये हमारे इतने सारे एक कैप्स्यूल से इतने सारी समस्याओं का इलाज हो रहा है दूसरा जो है इसके रिजल्ट्स तो बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही जल्दी हमें रिजल्ट्स दिखाई देते हैं इनफैक्ट जो है जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स के अंदर वायरल इन्फेक्शन के अंदर बहुत अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देते हैं एम श्योर sure आप सबने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा और जो है क्योंकि हर्बल है तो इसमें बिल्कुल भी साइड इफेक्ट का चांस ही नहीं है बिल्कुल सेफ है बिल्कुल सुरक्षित है अब हम बात करते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक साइंटिफिक और रिसर्च फॉर्मूला है और इसके अंदर सारे के सारे हर्ब्स जो है सही अनुपात में अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सही अनुपात है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है आई एम श्योर आप जानते हैं कि जैसे सपोज करिए हमें चावल बनाने तो चावल बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमें जो है अः अगर हमने एक कटोरी चावल बना रहे हैं तो हमें दुगना दो कटोरी पानी उसमें डालना होगा अगर हम जो है कम पानी डालते हैं सपोज करिए कम पानी डालेंगे तो वो चावल कच्चे रहेंगे वो ठीक से नहीं बनेंगे बट अगर सपोज करिए हमने ना चार चार कटोरी पानी डाल दिया तो वो हलवाई बन जाएगा उसका लापसी बन जाएगा तो कहने का मतलब है सही अनुपात होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी तरह से जैसे आप दाल सब्जी बनाते हैं हैं, तो दाल सब्जी के अंदर हम जो नमक मिर्च मसाले डालते हैं वो सही अनुपात में ही डालेंगे तभी वो स्वादिष्ट बनेगी ना आप कम नमक डालिए कोई खाएगा ही नहीं तेज डाल दीजिए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है तो इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर जो सारे हर्ब्स हैं वो बिल्कुल सही अनुपात में है अब जैसे मैं आपको ये एक सेलिंग पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम किसी को बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर नीम है तुलसी है तो एकदम से लोग बोलते हैं अरे नीम तो हमारे आंगन में लगा हुआ है तुलसी तो हमारे गमले में लगी हुई है तो और हम तो नीम तुलसी की हम चाय पीते हैं काढ़ा पीते हैं तो आपको उनको पूछना चाहिए कि आप किस अनुपात में लेते हैं क्या आप डेढ़ मिलीग्राम तुलसी रोजाना अपनी चाय में ले रहे हैं हम कितनी डालते हैं दो पत्ती चार पत्ती छह पत्ती डालते होंगे तुलसी की ठीक है ना तो वो हमारी सही अनुपात में हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने इसी तरह से लोग जैसे बोलते हैं कि हम भाई नीम की हम, नीम आंगन में सौ पत्तियां नीम की रोज खा सकता है या खाता होगा हम ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बहुत ही ज्यादा जागरूक होगा या बहुत ही ज्यादा हेल्थ के प्रति जागरूक होगा तो वो मे भी दो तीन पत्तियां खा लेता होगा बट जो है सौ पत्तियां खाना रोज किसी के लिए संभव नहीं है तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव का एक कैप्सूल अगर आप लेते हैं तो आपको सौ पत्तियों के बराबर जो है उसका फायदा मिलता है तो यानी कि सही और सही अनुपात में हम लेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि हमें जो है ये पता होना चाहिए कि एस के अंदर जो हमारे जो आ, हर्ब्स हैं वो किस अनुपात में है सौ मिलीग्राम जैसे नीम है डेढ़ सौ मिलीग्राम तुलसी है ये हमें अपने कस्टमर्स को बताना चाहिए अब हम बात करते हैं किससे नहीं बेचना चाहिए तो नंबर वन है गर्भवती महिलाएं न्यूट्रीचार्ज एस जो है महिलाओं को नहीं बताना है दूध पिलाने वाली माताओं को भी नहीं बताना है और तीसरा जो दंपति जो पुरुष और महिला अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनको न्यूट्रीचार्ज एस फाइव नहीं देना चाहिए अब आपका सवाल हो सकता है कि क्यों नहीं देना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर तुलसी है और ये जो तुलसी है ये गर्भ निरोधक का काम करती है तो ये जो हस्बैंड जो पुरुष महिला जो अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास जो है वो विफल हो सकते हैं क्योंकि ये गर्भ निरोधक का काम करेगा और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो ये तुलसी जो है ये क्या करेगा ये उनके जो बच्चेदानी है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा यानी उसका संकुचन कर देगा जिसके कारण से मिस कैरेज या गर्भपात हो सकता है या यानी कि बच्चे का जो जन्म है वो नौ महीने से पहले हो सकता है तो इसीलिए गर्भवती महिलाएं दूध पिलाने वाली माताएं और ये जो दंपति जो कि अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इनको न्यूट्रीचार्ज एस नहीं देना चाहिए कब और कैसे लेना है आपको न्यूट्रीचार्ज एस फाइव खाना खाने के बाद ही लेना है और एक ग्लास पानी के साथ में लेना है आप जब ही भी डिसाइड करें अगर आप सुबह नाश्ते के बाद में लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आप दोपहर के बाद में खाने के बाद में भी ले सकते हैं आप रात के खाने के बाद में भी ले सकते हैं बट जिस टाइम पर भी आप डिसाइड करें रोज उसी वक्त पर अगर हम लेते हैं तो हमें ज्यादा फायदा मिलता है अच्छा रहता है वो तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस लेने से उनको डकार आते हैं तो वैसे तो डकार आना अच्छी बात है इससे मतलब मतलब इसका मतलब उनका पाचन ठीक हो रहा है बट कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि नहीं इसके तुम तो बहुत डकार आते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज एस आप जब खाने जब आपने आधा खाना खा लिया उस बीच में ले लें तो खाना आधा खाना खा लिया न्यूट्रीचार्ज एस फाइव ले लीजिए और फिर बचा हुआ खाना आप ले ली, खाना खा, फिनिश कर लीजिए तो इस तरह से जो आपकी जो डकार की समस्या है वो पूरी हो ठीक हो जाएगी तो ये इस तरह से आप उनको सेल कर सकते हैं किस उम्र से लिया जा सकता है ये अठारह वर्ष से जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन्ही को ही देना है ओके छोटी उम्र के लोगों को नहीं देना है बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे किशोरावस्था में जो बच्चे हैं जैसे 12, 13, 14, 15, 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनके पिंपल्स जो हैं हैं वो बहुत होते हैं। तो ऐसे जो हमारे 12, 13, 14, 14 साल से जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं आप न्यूती चार्ज एस फाइव का एक कैप्स्यूल लीजिए उसको किसी साफ नुकीली चीज से पंक्चर करिए साफ नु, नुकीली चीज से और उसका ऑयल निकालिए और उस ऑयल को आप जो है जहां पर भी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है वहां पर आप लगा सकते हैं तो जैसे आपने चेहरे को जो है धोया साफ किया सूखा किया और फिर उसके बाद में आपने ऑयल लगा लिया तीन चार घंटे आपने रखा फिर उसके बाद में आप उसको साफ कर लीजिए और ऐसे दिन में दो बार लगा लेते हैं तो इससे जो ये जो जो हमारे जो टीन बच्चे हैं जो युवा बच्चे हैं जो किशोरावस्था में है उनकी जो ये पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उससे राहत मिल सकती है बट ये जो है अठारह वर्ष से जो कम उम्र के जो लोग हैं वो पानी के साथ में खाने के बाद में उनको नहीं लेना है ओके और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका जैसे कोई सात आठ साल का बच्चा है या चार पांच साल का बच्चा है उसकी कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो क्या उसमें उनके ऑयल लगा सकते हैं नो no. बिल्कुल नहीं हमें ये जो है बारह तेरह चौदह साल से जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं बच्चे हैं जिनकी पिंपल्स है उनी के ही स्किन पर लगाना है और उसमें भी ध्यान रखना है कि आंखों से दूर रखें आंखों के अंदर वो ऑयल ना जाए और आंखों के जो हमारे नीचे या आसपास जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर भी इसको ना लगाए तो इस बात का ध्यान रखना है और बड़ी उम्र के जो लोग हैं जिनकी स्किन की भी प्रॉब्लम है तो वो पानी के साथ में खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं और अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं आमतौर पे इसका एक कैप्सूल ही काफी है बट अगर कोई गंभीर समस्या है तो आप दो कैप्सूल भी ले सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो है अभी स्पेशली इन दिनों जो है हमें ये इम्यूनिटी पैक की तरह सेल करना चाहिए ये तीन प्रोडक्ट्स तो हमें न्यूट्रिचार्ज S5 स्वेच्छा हनी और हेल्थ कार्ड ऑयल ये तीनों मिला करके हमें जो है कॉम्बिनेशन में हमें बताना चाहिए कि ये तीनों अगर हम लेते हैं तो ये हमारी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है या ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरनल मास्क है यानी ये हमें अंदर से जो है मजबूत बनाने में मदद करता है और कैसे लेना है हम हम और और हम अपनी इम्यूनिटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं इसको पानी के साथ में लेना है आ, ये आ, क्या कहते हैं अपनी 5 को गार्गल्स करिए यानी गरारे करिए गर्म पानी से नमक के नमक वाले गरारे करिए तो इससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और स्टीम लेते रहे तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से भी पॉइंट जो है मतलब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी दे ही बट अगर हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अपने कस्टमर्स को देते हैं तो नेचुरली ये जो है उनके लिए फायदेमंद होगा और वो हमें कहेंगे कि यस ये हम एक्सपर्ट है और पूरी जानकारी है हमारे पास में तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर हम जो है ये सिट्रस फल यानी कि ये जो जिसमें नींबू संतरे जैसे जो फल है वो अगर हम लेते हैं या फल सब्जियां ज्यादा खाते हैं हल्दी है अदरक है लहसुन है दही है ये सारे के सारे जो जो सब फल और सब्जियां हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं इसके अलावा आज के दौर में हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं हमें कम से कम आठ से दस घंटे रोज सोना चाहिए क्योंकि जब हम सोते हैं तो वो हमारी उस टाइम पर हमारा शरीर जो है अपना रिपेयर और रिचार्ज कर लेता है और वो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है हमें अगर आप कोई भी ध्यान रख करते हैं योगा करते हैं इस तरह से करना चाहिए ताकि हमारा मेडिटेशन वगैरह हो तो वो भी हमारी को बढ़ाता है पानी का नियमित रूप से सेवन करते रहना चाहिए एक्सरसाइज वॉक वगैरह करते रहना चाहिए बार बार हाथ धोते रहना चाहिए और बीड़ी सिगरेट एल्कोहल को शराब को सेवन नहीं करना चाहिए विटामिन यानी कि न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज वुमन न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट ये डेफिनेटली लेना है और अपने जो भी हमारे घर के अंदर जो भी चीज आ रही है जो भी फल सब्जियाँ दूध के पैकेट ब्रेड का पैकेट दाल का पैकेट जो भी आ रहा है उन सबको जो है धोकर के ही इस्तेमाल करना चाहिए और अगर हम ऐसा करते तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहती है ज एस फाइव से अभी इस दौर में जो है अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत है आप बहुत जो है जैसे कि आप जानते हैं कि इसका एम आर पी फोर थर्टी टू है डी पी थ्री फोर्टी सिक्स है और रिटेल मार्जिन जो है एटी सिक्स है और जिस भी स्लैब पर है या अगर आप दस परसेंट है या बत्तीस परसेंट के स्लैब पर है तो आपका कमीशन जो है छब्बीस या एटी थ्री के बीच में होगा और इससे जो है अगर आप दस परसेंट के स्लैब पर है तो आपकी जो इनकम होगी इससे एक सौ बारह रुपए और अगर

परिवार में भी दे सकते हैं तो आपको क्या करना है दो या तीन लोगों को अगर आप रोज मिलते हैं और उनको आप न्यूट्रीचार्ज एस फाइव सेल करते हैं तो आपकी जो ये दस का टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है क्योंकि जैसे उस परिवार के अंदर पुरुष भी है महिलाएं भी है बड़े लोग भी हैं तो उन सबको न्यूट्रीचार्ज एस की जरूरत है तो इस तरह से अगर हम लक्ष्य बना करके काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज एस फाइव पर और ना केवल अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने एक पुण्य का भी काम कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं तो नेचुरली और उनको बहुत ये कोविड के प्रकोप से बचा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस भी और पुण्य भी दोनों आ, जो है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं अब अगर हम मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स देखेंगे तो एक्चुअली मैं मैंने यहाँ हमने यहाँ पे तुलना लिखा हुआ है बट एक्चुअली में कोई कंपेरिजन है ही नहीं तुलना है ही नहीं आप देखेंगे कि, कि जैसे कि न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर ये सारी जो है पांच हर्ब्स हैं इस अनुपात में आप जानते ही हैं ब्लैक सीड 200 मिलीग्राम है तीन तरह की तुलसी है 150 मिलीग्राम नीम 100 मिलीग्राम है एलोवेरा 25 है और स्पेयरमेंट 10 है बट अगर आप मार्केट के अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट्स देखेंगे ना किसी के अंदर ये इतने सारी औषधियां हैं ही नहीं इनफैक्ट सब लोगों ने जो है अलग अलग, अलग प्रोडक्ट के मतलब अलग अलग हर्ब के पूरे प्रोडक्ट बना दिए जैसे अगर आप ये देखिए न्यूट्रोलाइट तुलसी तो इन्होंने सिर्फ इसमें सिर्फ तुलसी ही है इसमें और कुछ नहीं है तो यानी कि इन्होंने सिर्फ तुलसी पे ही एक पूरा प्रोडक्ट बना दिया इसी तरह से श्री तुलसी है इसमें तीन तरह की तुलसी है बट मात्रा कितनी है बाईस दशमलव आठ ओके और इसी तरह से ये तुलसी फिफ्टी वन है मात्रा कितनी है अट्ठाईस दशमलव आठ और न्यूट्री चार्ज में न्यूट्री चार्ज एस फाइव के अंदर है डेढ़ सौ मिलीग्राम तुलसी और जैसे मैंने कहा सही अनुपात में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अब आप ये देखिए इतनी कम मात्रा में तुलसी इसका क्या फायदा होगा ये किस तरह से काम करेगी तो इस ये बात को हमें समझना भी है और समझाना भी है और इसी तरह से वेस्टीज के सिर्फ नीम के कैप्सूल्स हैं और एलोवेरा के जो है ये वेस्टीज के एलोवेरा के कैप्सूल्स हैं तो न्यूट्रीचार्ज एस फाइव के अंदर ये सारे के सारे जो औषधियां हैं बिल्कुल सही अनुपात में है और ये जो है इतनी सारी समस्याओं से हमें राहत देती है तो आई होप ये जो हमने आपको जानकारी दी है ये आपको यूजफुल लगी है और इससे आप जो है न्यूट्रीचार्ज एस को बेहतर तरीके से सेल कर पाएंगे बट जैसा कि आप जानते हैं इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? अपने घर से अपने आप से तो पहले हमें अपने परिवार के अंदर जितने भी 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उन सबको न्यूट्रीचार्ज एस5 लेना चाहिए और और जितने भी हम लोगों को मिले उनको भी हमें न्यूट्रीचार्ज एस5 के बारे में बताना चाहिए तो ये जानकारी थी न्यूट्रीचार्ज एस5 के बारे में और अब मैं आपको जो है कुछ हमारे और जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगी तो जैसे कि आप आई एम श्योर हमारी टीम में से बहुत सारे साथियों ने हम होंगे कामयाब जो जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए क्वालिफाई किया होगा आप जानते हैं कि हम होंगे कामयाब जो है इसमें शामिल होने के लिए आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर पांच पांच हजार का बिजनेस वॉल्यूम करना था और जो जिन लोगों ने ये ऐसा क्वालिफाई किया है तो वो छब्बीस शहरों के अंदर जो ट्रेनिंग हो जो सेशन जो प्रोग्राम होगा उसमें वो शामिल हो सकते हैं तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आ, ये प्रोग्राम्स जो हैं 16 जनवरी के बाद से होने वाले थे बट क्योंकि अभी जो हमारी स्थिति आप देख रहे हैं तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है ये इतनी संख्या के अंदर आ, सब लोगों को इकट्ठा करना तो ये प्रोग्राम्स अभी कैंसिल मतलब निरस्त नहीं किए जाएंगे ये होंगे जब हमारी स्थिति नॉर्मल होगी बट इसमें रजिस्टर करने की लास्ट तारीख है तेईस जनवरी तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें इस लिंक के ऊपर रजिस्ट्रेशन जरूर करें आई एम श्योर आपके पास में ये लिंक आ, होगा नहीं होगा तो आ, आ, सर और मैम आपके साथ में शेयर कर देंगे इस लिंक के ऊपर आप रजिस्टर जरूर करें तेईस जनवरी लास्ट डेट है और जिस भी शहर में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं लेना चाहते हैं उसमें आप उसको सिलेक्ट करके इस इसपे रजिस्टर करें ओके और हमारे जो है नए साल के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपके पी पर जल्द ही आएंगे ये डायरी है जिस जो कि आपकी प्लानर की तरह काम कर सकती है प्लस ये एक विजुअल एड

चार्ज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वर्किंग डेज मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसको याद रखना बहुत ही आसान है 1800 जो है जैसा कि आप जानते हैं कि ये अः कोई भी टोल फ्री नंबर 1800 से शुरू होता है 22 जो है वो बॉम्बे का कोड है और 50 पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर है और 33 पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर है सॉरी मैन के अंदर है तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं पचास न्यूट्रीचार्ज वुमन और तैतीस न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर पोषक तत्व है और ये इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के बारे में जैसा कि आप जानते हैं ये इक्कीस महिलाएं हैं जो कि न्यूटी चार्ज वीरांगना क्लब में है और ये बहुत ही अमेजिंग काम कर रही हैं एंड मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपकी हमारी टीम के अंदर हेमा जी भी यहाँ पर हैं और जो है ये महिलाएं जो है पचास हजार से ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम कर रही हैं और उसमें से ये जो आप देख रहे हैं ये छह महिलाएं जो है ये तो एक लाख से ज्यादा का न्यूटी से जो है रिटेलिंग कर रही है सेलिंग कर रही है तो हमारी टीम में से आई एम श्योर हेमलता जी को देख करके और भी बहुत सारी महिलाएं जो है इंस्पायर हो रही है मोटिवेट हो रही है इस न्यू, न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में शामिल होने के लिए क्योंकि इसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आप बहुत ही तेजी से जो है कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी तो मैं चाहूंगी कि हमारी टीम में से और ज्यादा महिलाएं न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में शामिल हो आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में शामिल होने के लिए तीन शर्तें हैं नंबर वन आपकी सेल्फ आईडी नंबर टू आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसिलिंग कोर्स में शामिल होना चाहिए नंबर थ्री आपका बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस के आपके पास में दो ऑप्शन है नंबर वन आपका आ, आ, जो है दो महीने लगातार दो महीने तक आपका जो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का जो है साठ पैक्स की बिलिंग होनी चाहिए आपकी आईडी के ऊपर या आप लगातार दो महीने तक दस दस हजार का बिजनेस वॉल्यूम करें म्यूट्रीचार्ज के किसी भी प्रोडक्ट से तो जैसे दिसंबर में आपने दस हजार किया है तो जनवरी में भी दस हजार कर लीजिए तो आपकी फरवरी से न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में एंट्री हो जाएगी अगर आप दस हजार जनवरी में करते हैं तो फरवरी में भी दस हजार करिए और मार्च से आपकी एंट्री हो जाएगी इसी तरह से हमारी टीम के जो पुरुष म्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी तीन शर्तें हैं नंबर वन सेल्फ आईडी नंबर टू uh, जो है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में शामिल होना और नंबर थ्री जो है हमारा बिजनेस यानी कि लगातार दो महीने का बिजनेस टोटल पच्चीस हजार होना चाहिए और उसमें से हर महीने कम से कम दस हजार का बिजनेस होना चाहिए तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में भी शामिल हो सकते हैं न्यूट्रीचार्ज वीर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी टीम के हर साथी को किसी ना किसी टारगेट में जरूर होना चाहिए तो हमारे तीन टारगेट स्लैब्स हैं नंबर वन पांच सौ बिजनेस वॉल्यूम दूसरा है एक हजार बिजनेस वॉल्यूम और तीसरा है ढाई हजार का बिजनेस वॉल्यूम ये अगर आप लगातार छह महीने तक करते हैं तो आपको जो है पांच सौ डीपी एक हजार बीपी और ढाई हजार डीपी के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसकी शुरुआत आप अभी जो है अभी आप इस महीने से भी कर सकते हैं अगर आप इस महीने से ये 500, 1000 या ढाई हजार बीवी करते हैं तो लगातार छह महीने तक यानी जून तक अगर आप करते हैं तो आपको जो है उसके ऑफर पीरियड के बाद में ढाई हजार के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो आई होप आप ये हमारी टीम में तो जितने भी साथी हैं आप सब यहाँ पर लीडर्स हैं और हमारी टीम के अंदर जितने भी साथी हैं किसी ना किसी टारगेट के अंदर जरूर शामिल होने चाहिए तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा ओवर टू यू अशोक जी एंड हेमा जी जबरदस्त एक बार जबरदस्त शानदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए एक्सीलेंट सुपर से ऊपर मैम माइंड ब्लोइंग बहुत ही सुपर्ब आज मतलब क्या बताऊं मैं आपने हर एक पॉइंट को पूरा साइंटिफिकली पूरा कवर किया है आज पता चला कि एक सुई की नोक पर भी 50000 बैक्टीरिया रह सकते हैं और यस क्या सुंदर विश्लेषण किया मैं yes, हो सकता है। और आते भी है और बनते भी है इनसे निपटना बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि एंटीबॉडी एक प्रकार की सर्च एंड डिस्ट्रॉय आर्मी है हमारे बॉडी के अंदर दैट्स ग्रेट बहुत बढ़िया ब्लड फ्लो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपने एग्जाम्पल इतने सुंदर एग्जाम्पल और इतने रिलेवेंट एग्जाम्पल आपने उठाए मैम की क्या बताए एक व्यक्ति को सीधे तीर के जैसे वो लगे है दिलो दिमाग में अनुपात के ऊपर आपने चावल वाला एग्जाम्पल जो लिया आई एम श्योर sure की सबको समझ में आ गया होगा कि सही अनुपात नहीं डालेंगे या तो हथ रहेंगे नहीं तो पूरा हलवा बन जाएगा तो सही अनुपात भी बहुत जरूरी है इससे हम हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को एकदम सीधा डायरेक्टली जवाब दे सकते कि भाई ठीक है आप ये दे रहे लेकिन कितने अनुपात में दे रहे हैं या कोई व्यक्ति अगर हमको बोलता है कि नहीं मेरे आंगन में ही नीम का पेड़ है तो भैया सौ पत्ती रोज खा रहे हो क्या आप ये उनसे बिल्कुल डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड बहुत ही शानदार मैम और आपने ऑफर्स इसको कहते हैं एक परफेक्ट एक जबरदस्त बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसमें नॉलेज फैक्ट फिगर्स एडवांटेज क्या कह के बेचना किसको देना किसको नहीं देना आई एम श्योर कि बहुत मजा आया होगा सारे सीनियर साथियों को और मैं आ, हमारे बीच में आ, बहुत आ, हमारे सीनियर साथी है सबसे पहले मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे टेक्निकल एचयूआर साथी है आ, एक जबरदस्त लीडर यूपी की धरती से और बहुत ही शानदार मैं क्या बताऊं उनके बारे में ऐसे व्यक्ति जो जब भी बोलते हैं उनका विश्लेषण करने की बहुत अच्छी कला उनके पास है तो मैं आदरणीय अरविंद गुप्ता जी को इनवाइट थैंक सो मच थैंक यू सो मच सर स्पेशली थैंक्स शिल्पा मैम को आ, मैं चीज कहना चाहूंगा कि आज की जो ट्रेनिंग सही तो लगातार सुना और जिस तरीके से आपने और बहुत ही सुंदर रहा मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा ये अति स्वक्ति तो नहीं होगी लेकिन युति साख की ट्रेनिंग मैंने लिया था अरविंद साखी सर से मनीषा मैम से और बहुत सारे लीडर्स थे लेकिन अगर रेटिंग की बात की जाए तो अरविंद साखी जी और मनीषा मैम के बाद मैंने आपको इतना क्लियरली सुना की इतने स्पष्ट तरीके से आप अपनी बात को लोगों के बीच में आपने रखा है कि एक एक व्यक्ति मतलब एक एकदम कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हुआ तो उसको भी बात बहुत ही तेजी से डिलीवर होगी मैम तो थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात रखी और मैं स्पेशल

यस सर थैंक यू सो मच सर जय आर सी एम मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज uh, मैम की ट्रेनिंग वाकई में सर अभी आपने तो सारी बातें रख दी है और आदरणीय अरविंद सर ने भी अपनी बात रख दी है uh, मैं तो यही कहूंगा कि मैडम का रिसर्च बहुत शी अ ग्रेट रिसर्च मतलब एक बहुत ही अच्छी रिसर्चर भी है एक ट्रेनर को एक रिसर्चर होना बहुत जरूरी है अदरवाइज यू कैन नॉट पुट द फैक्ट इन प्रॉपर ऑर्डर तो मैम ने सबसे पहले उस एस फाइव को डायरेक्ट अगर हम आके किसी को बोले तो वो सही में नहीं समझ में आता लेकिन मैम ने जो उसकी उसकी क्यों जरूरत है देखिए नीट बेस्ड सेलिंग इसको कहते हैं कि मैडम ने पहले नीट को क्रिएट किया कि भाई हमारी बॉडी में क्या क्या होता है और ये प्रेजेंटेशन कोई भी व्यक्ति देख ले तो उसको एस फाइव लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तो मैम ने सबसे पहले हमको आ, हमारा जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको पहले क्लियर किया कि कैसे बॉडी में कैसे फंक्शन करती है और ये कहाँ पर हमको मदद कर सकती है तो ये मैम बहुत अच्छा आपका रिसर्च है और वाकई में जो अरविंद सर ने कहा आई डू एग्री विद दैट कि आपने काफी गहराई में जाकर इस प्रोडक्ट को समझा है और इसकी आवश्यकता को जो आगे रखा है तो नीड को आपने बहुत अच्छे से जनरेट किया मैडम और ये मानव सेवा में बहुत अच्छा आपके द्वारा किया गया प्रयास है क्योंकि सेलिंग तो ठीक है एक अलग बात है लेकिन हम सेलिंग uh, अलग बात है लेकिन हम नीड को समझ के लोगों की जो मदद कर पा रहे हैं क्योंकि वही रामायण तो वही होती है लेकिन उसको सम...